तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पीआर शिक्षक भर्ती सेवन फेज के लिए प्राइमरी शिक्षकों के लिए मॉडल पेपर नंबर दो के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा है आप लोगों से सुमेलित कीजिए, तो आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है आपको समाज दिया गया है और एक तरफ दिया गया है उसके संस्थापक, तो आइए इसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले दिया है राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ए का हो गया तीन, बी का एक, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ए का तीन, बी का एक कौन से ऑप्शन में है आइए देखते हैं। तो ये है ऑप्शन सी में। तो एक नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है, तो चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सी है बजट 2021-2022 ये जो है पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ था सबसे पहली बार। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित हुआ था 1989 में और 1990 से ये लागू हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और लागू 1990 में हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है लखनऊ में, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, तो प्रश्न संख्या पांच का राइट आंसर है ऑप्शन डी आहार संस्कृति। ये जो संस्कृति है ये प्राचीनतम संस्कृति है और ये ग्रामीण संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, तो ये विभक्त था 16 महाजनपद व गणराज्यों में। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है, तो किसकी पुस्तक से, तो ये कलहड़ के, और कौन सी पुस्तक से, तो राज तरंगड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो इसका निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, तो वो करवाई थी रुद्रदामन ने। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ होती है नरवर्धन से और समाप्त होती है हर्षवर्धन से। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मधारा है, तो इसमें से कौन गर्मधारा है, तो ये है क्यूरासियो की धारा, ये जो है गर्मधारा है। बाकी लेब्राडोर, कुराइल और कैनारी, ये तीनों जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, तो कौन सा सबसे सस्ता साधन है, तो ये है जल परिवहन सबसे सस्ता साधन। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालुको स्तूप बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा अपरदन है, तो यह है पवन का। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल या बाह्यमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है बादल युक्त आकाश, बी में है शांत एवं स्थिर वायु और सी में भी यही दिया है, तो क्वेश्चन में ये थोड़ा मिस्टेक है। इसका आंसर होगा शांत एवं स्थिर वायु, तो बी और सी दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो किस जिले में स्थित है, तो तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है ये कैमूर जिले में है, तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है,
तो कौन सी है? तो ये है कनवार झील, और बिहार की यह एकमात्र जो है ये रामसर साइट में शामिल झील है कनवार झील। और ये पड़ता कहाँ है कनवार झील? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये है कहाँ पे, तो ये है बिहार के बेगूसराय ज़िले में है, कनवार झील है बिहार के बेगूसराय ज़िले में। और ये भी याद रखें कि ये बिहार की एकमात्र जो है वो रामसर झील है। पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं, तो पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं हम लोग क्रस्ट यानी पपड़ी। गोदावरी नदी निकलती है तो ये नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। स्वेज नहर जोड़ती है तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में, और इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और इसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत यानी ए बी और सी तीनों सम्मिलित हैं, बट नगर निगम ये नहीं है। ये 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो किसे प्रदान की गई हैं? तो ये प्रदान की गई हैं केंद्र को। तो 22 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी राइट है। 23 नंबर का प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इजी प्रश्न है, उम्मीद है सबसे बन गया होगा, ये बी एन राव थे संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राकलन समिति, और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के होते हैं, तो यह भी प्रश्न बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो किसमें अंतर्निहित है? तो ये है 9वीं अनुसूची में। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? तो सबको पता है ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो सर्वप्रथम हुआ था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को? तो भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.50। तो 30 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर है 71.20, ये पुरुष साक्षरता दर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरहर की संकर किस्म है, तो चारों ऑप्शन में से कौन जो है अरहर की संकर किस्म है? तो ये है ICPH 8, ये अरहर की संकर किस्म है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे हैं, बाकी के ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, तो ये रहे आपके बाकी के ऑप्शन। तो 32 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री MC सेतलवाद, ये जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वेजिटेबल फोसिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर है 33 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, तो ये होता है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है समोच्च रेखीय कृषि। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। वंदे मातरम देशगान के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है सबको पता होगा, ये हैं बंकिम चंद चटर्जी। 37 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी किस टाइम ये गाया जाता है? तो ये प्रातःकाल के समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो 39 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 में जो है संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, तो इसे कहते हैं मृदा कणाकार। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है आल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो यह है पुलेला गोपीचंद, ये अर्जुन पुरस्कार विजेता है। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोरंजन होते हैं कुल 5 प्रकार के। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 44 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो ये है वज्रासन। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय तो ये खोला गया है मणिपुर में। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, तो यह है विटामिन व खनिज लवण। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो यह है उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ये एंजाइम लिखा है, किस क्रिया में सहायक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम? तो प्रोटीन के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पे जो है। संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो ये की गई है प्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। 52 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो आसान प्रश्न है, डॉल्फिन गैंगेटिका। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 53 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1980 में। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम अलग है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में और ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। बहुत बार प्रश्न पूछता है, जरूर आप लोग याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से 3 जो है वो मृदा संरक्षण की विधियां हैं, एक नहीं है, तो उसे ही आपको बताना है कौन नहीं है। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कीटनाशक रसायन, ये मृदा संरक्षण की विधि कोई नहीं है। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो ये चलती है जब तेल की कमी और सफाई नहीं होती है तो भारी चलती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो यह है ग्लोबिन। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्र की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है?
तो ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली आप लोगों ने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग, ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है, जिसे कि पाठ योजना हम लोग कहते हैं। योजना विधि आधारित है, तो ये आधारित है करके सीखने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA के मुकदमे के वकील थे? INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के वकील कौन थे? दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, ए और बी, बाकी के ऑप्शन ऊपर हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूला भाई देसाई। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? एक मिनट रुक जाइए, ऊपर जो हम लोगों ने प्रश्न किया है ये, इसमें देखिए सी और डी दोनों सही होगा, क्योंकि इसमें आसफ अली भी थे और भूला भाई देसाई, तो इसलिए ये विवादित प्रश्न है, आप लोग ये दोनों याद रखें। देखते हैं अपना प्रश्न, तो 62 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि अंतरिम संसद के रूप में कितने सत्ता ग्रहण की थी? तो संविधान सभा ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन सिंह ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया? तो 64 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, MS सुभालक्ष्मी। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन ये गाया SM सुभालक्ष्मी ने। 65 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 65 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो ये प्रसिद्ध कथन कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस के पहले, तो ये कैप्टन मोहन सिंह थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले में दिया है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। नेक्स्ट में है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। नीचे आपको ये दिए गए हैं चारों कूट, तो कौन सा राइट है इसमें? तो 68 नंबर में राइट आंसर है, ये दोनों कथन सही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी 1928 में, तो ये दोनों राइट हैं। तो 68 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सही हैं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो ये ले लिया था चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण, और ये चोरा चोरी घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। सामाजिक वानिकी निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो सामाजिक वानिकी में किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो बहुउद्देश्य वाले वृक्षों को प्रोत्साहित किया जाता है। स्मार्ट जेल होता है, तो स्मार्ट जेल क्या है? तो ये है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो
तो क्या घटित नहीं होगा, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो इसमें उल्टा दिया है, ऑप्शन सी में समुद्र तट घट जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए बढ़ जाएगा, तो यही जो है नहीं घटित होगा। बाकी ये तीनों चीज़, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ध्रुव पर बर्फ़ पिघलेगी और वायुताप बढ़ेगा, ये तीनों चीज़ हो जाएंगे। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो ये यूकेलिप्टस माना जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, कितने वर्ष तक, तो 76 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 40 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ह्यूमेलिन। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है, तो कहाँ पे हैं, तो 78 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर में। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नालंदा है, फिर मुंगेर है और सबसे ज़्यादा पटना, यानी सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है, फिर उससे कम मुंगेर में है, फिर उससे कम नालंदा में है, तो ये क्रम है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रसायन प्रदूषण होता है, तो ये होता है चमड़ा उद्योगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है, तो ये है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी दिया है सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, तो 83 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन, ये पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है, तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पर्यावरण से अभिप्राय है, ऑप्शन ए में है भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, तो ये है। बी में है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, तो ये भी है और ये भी है। भौतिक जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, तो ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। पचासी नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, ए में है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये राइट है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी राइट है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो ये भी राइट है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है, तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण जो है भूमंडलीय उष्मन बढ़ रहा है। किसी क्षेत्र में बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है, उसका जल क्या हो रहा है, तो उसका जल जो है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जल धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो कौन है, तो यह है पॉपुलर का वृक्ष। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो यह है वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे जो है टोटल जीके जीएस और करेंट अफेयर के सेशन कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी ऐसे ही 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, धन्यवाद।